नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली एक्चुअली मैं आपका यूट्यूब हर समय देखता हूँ। मैं त्रिपुरा से। वाह त्रिपुरा, सो नाइस यार। अरे ये डे बिफोर यस्टरडे सम ऑफ द नागालैंड पीपल केम टू मी। हाँ, लोग भी मिले मनोरंजन जी से। देवे द गवर्नमेंट मीन्स सरकार में है, उनके आए हुए थे। हाँ हाँ, आपने डाला था वीडियो, लेकिन उसको मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ गया क्योंकि उसमें चीफ मिनिस्टर का नाम आ गया ना। हाँ। मैंने उसको हाइड कर दिया। यही वो लोग भी बोले कि कहीं हम लोगों पर कार्रवाई ना हो, क्योंकि ऑफिशियली उस रूप में नहीं आए थे वो लोग, एक तरह से अपने से आए थे। जी यही आगे बोले। एक्चुअली मैं हर वीडियो देखता हूँ BRMGS, मगर मुझे मैंने कभी कमेंट नहीं किया। मैं देखते देखते आपका ही वीडियो आज डेढ़ दो महीने देखा हूँ, जिसमें जैसा ऐसा है कि कोई फटे हुए नहीं है, आपका वीडियो में सच्चाई दिखाई देता है। तो मैं ऐसा नहीं, वीडियो को वो तो कमाई करने के लिए कुछ रहते है, तो मैंने ये देखा है जो ये सब कुछ है। तो मैंने उस दिन एक वीडियो में देखा था, मैं सर आपने कहा था कि दिसंबर को ठेकेदार निकल जाए। दिसंबर को तो नहीं होता, ये तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो मार्च के महीने में उसका खत्म होता है ना। नहीं नहीं, देखिए हाँ समझ, देखिए दो तरह से हम लोग सोच सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर के रूप में भी सोच सकते हैं, दूसरा रूप में सोच सकते हैं कि हम हर एक महीना ऐसे लेबर, ऐसे फ्राइट वर्कर, ऐसे वायर हाउस वर्कर, रेलवे माल गोदाम के माध्यम से या रेलवे ट्रेन के माध्यम से कितना रेवेन्यू जनरेट कर, अच्छा से समझिए, मैं बहुत डीप बात को बात कर रहा हूँ। हाँ। कितना रेवेन्यू हर महीने जनरेट करके देते हैं। अब जितना रेवेन्यू हम जनरेट करके देते हैं, उस रेवेन्यू से ही हम लोग को वेतन मिलना है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? बहुत लोग बोलता है कि नहीं बजट से होगा। नहीं नहीं नहीं, अगला फाइनेंस ऐसा नहीं है। दिस इज ऐसा नहीं है, मुझे पता है। हम लोग मजदूर लोग हर महीना, बल्कि हमारे मजदूर साथी लोग कितना मेहनत करते हैं हम लोग देखते हैं, है ना। और वो हर एक महीना अराउंड 50,000 करोड़, 35,000 करोड़, 70,000 करोड़, मतलब कभी घाटा हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं। वो किसकी वजह से हो रहा है? मजदूरों की वजह से हो रहा है। मजदूरों की वजह से। हाँ, बुकिंग करने वाले लोग है भी है उसमें, है ना, पार्सल बुक बट मेन पिलर्स जो है मजदूर लोग। अब हम लोग एक महीना चुकते हैं तो 70,000 करोड़ का जो हम लोग बेनिफिट मिलना चाहिए, हम लोग हर एक महीना मिस करते जा रहे हैं। यस, ये बहुत बड़ा डीप बात आज तक कोई नहीं बोला होगा, लेकिन मैं बोल, ठीक है, यहाँ तक कोई नहीं बोला। मैं अच्छा से समझ गया कि हमारा फाइनेंशियल ईयर या क्या कहते हैं बजट से कोई लेना देना नहीं है। हम इस महीना आपको 70,000 करोड़। आप जब ये कहा है ना जी, आपने जब कहा है तभी मेरे दिमाग में यही होता कि बजट में नहीं है, साल हिसाब से बोल रहे हैं कैसे होगा। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा सर से बात करना ही पड़ेगा, मुझे मेरा डाउट क्लियर है। फिर भी सर किसी को वीडियो में डालकर कह रहा है, मतलब दिसंबर में निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं, सर ऐसा बेफिजूल बात नहीं करेगा, उसको सच्चाई है। तभी मैं सोच रहा जो मार्च नहीं कह रहा है, मतलब उसमें मेरा बजट के साथ मतलब कोई लेन देन नहीं, कोई लेन देन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, तो जनवरी में जो रेवेन्यू आया वो रेवेन्यू का सारा मतलब वेतन के रूप में हम लोग बना के दे। ये है, दिस इज द डिमांड ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड अवर यूनियन, नॉट द डिमांड कितना रेवेन्यू आप भारत सरकार कलेक्ट करती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट करती है, उससे एक अलग बजट बनता है, फिर उस बजट से हम लोग को तनख्वाह। हम लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक महीना हम कितना रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, उसी को तनख्वाह बना के दीजिए। दीजिए, दिस इज द थिंग थिंग सर।
ये और त्रिपुरा के लोगों को ये बात को बता देना है, सब लोग को कोई समझता नहीं है यार, बहुत मुश्किल होता है मुझे समझाने। हाँ सर, नहीं मैंने दो तीन से मैं तो इस बारे में जब कहा कि नहीं नहीं मार्च में, मैंने कहा नहीं हो सकता, इसमें कुछ सच्चाई है, तो मैंने ये नहीं कहा मैंने देखा है, मैंने कहा इसी हिसाब से अगर है बजट क्यों डालेगा यार, ये क्या सरकार है, इसके लिए रिक्रूटमेंट डालना पड़ेगा अगर बजट हुआ तो। बजट का मतलब रिक्रूटमेंट, हम लोग कहते हैं, मैं कभी कभी मीडिया में बोलता हूं ठगी के शिकार हो रहे हैं हमारे यूपी भारत सरकार। देखिए भारत सरकार हम लोगों को आज से नहीं ठग रहा है, जब से रेलवे बना है तब से मजदूरों को ठगा जा रहा है, ठगा रहा है सर, आज से नहीं। सोचिए कि एक एक महीना में आप लोग रेवेन्यू देते हैं, अरबों रुपए इन लोगों के हाथ में तो जाता नहीं है कुछ, जाता नहीं। ये लोग तो अभी दूध की नदी में सोना चाहिए था, किसको, मजदूरों को सही। लेकिन बेचारा गरीब लोग, ना उनके पास कपड़ा है, ना मकान है, ना घर है, ना उनके परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। रेवेन्यू जो जनरेट करके देता है रेलवे माल गोदाम, सबका मालिक अभी कौन कौन ले रहे हैं, कौन फायदा ले रहे हैं, वो लोग ले रहा है जो वास्तव में एक्चुअली दे रहा थी सर, इनडायरेक्ट थी, दे रहा था इनडायरेक्ट थी। तो आप लोग उधर काम करिए। देखिए त्रिपुरा के विषय में मैंने त्रिपुरा और जो सेवन सिस्टर्स है ना, उस तरफ थोड़ा लोगों को जगाई, ओके, बिकॉज दे आर द ट्राइब्स पीपल, आई एम ऑल्सो ट्राइब पीपल, मैं भी आदिवासी लड़का हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोग, वहाँ के मेरे भाई लोग, बहन लोग, आसाम हो चाहे नागालैंड हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, और अगर ये सब हो जितने हो, सारे सेवन सिस्टर्स जो है जागे, और वहां पर लीडरशिप का तैयारी हो रहा है, आप लोग लीजिए। वो जो आए थे नागालैंड से आए थे मेरे भाई लोग, वो लोग भी लीडरशिप लेने के लिए तैयार, आप लोग वहां लोगों को जगा के इसमें इनिशिएट कराइए, सारा काम फाइनल हो चुका है, ठीक है। ये मैं डेफिनेटली, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सारा काम हो गया, हम लोग जीत चुके हैं, केवल छीन के लेना है बस, लेना है बस, इस महीना से ले। अगर इस महीना लेने में कामयाब नहीं हुए तो इस महीना का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हमारा, वो क्या कहेंगे, किसी और का पॉकेट में चला गया, पॉकेट में चला गया। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे मनोरंजन जी तो इतना मेहनत करते हैं, मैं उसका मेहनत को देख के, जवान लड़का का मेहनत को देख के मैं ताजुब करता हूँ। कुछ लोग तो मुझे कॉमेंट करते हैं कि सर आप भी मनोरंजन जी के साथ जो है भारत सरकार के पास जाइए, उनको मैं क्या गाइड करूंगा, तो बचपन से देखे, छोटे छोटे उम्र से ही देखे हैं गरीबों का आंसू को, और वो समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ बात को, वो भी सब अच्छा से समझ रहे हैं। हाँ सर, रिप्रेजेंटेटिव आप लोग करिए उधर से, सारे देश को जगाइए, ठीक है सर, थैंक यू। समझ गए क्या बात मैंने कहा? हाँ सर, हाँ सर, समझ गए। सब त्रिपुरा के भाइयों को मेरा प्रणाम कहिएगा, ठीक है। हाँ, आपको भी और आप भी सब आदिवासियों को मेरा प्रणाम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीडर्स का नंबर्स दिए गए हैं, जिनको भी QR कार्ड और सम कार्ड लिंक कराने में समस्याएं आ रही है, उनसे संपर्क करके अपना समाधान ले लें और खुशी से जीवन काटें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अब ठेका मेका मजदूर के स्थान पर एक फिर रोजगार कर दिया गया। ऐसे श्रमिकों को रेगुलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा। श्री संजय सिंह ने भारत के संसद की गरिमा को भारतीय रेलवे मजदूरों के दर्द को उठाकर अलंकृत किया है। आइए हम संसद भवन चलते हैं और सुनते हैं कि उन्होंने मजदूरों के दर्द को चर्चा के लिए कैसे पेश किया। श्री संजय सिंह, देखिए आगे, धन्यवाद माननीय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय जो रेलवे के श्रमिकों से जुड़ा हुआ है वो सदन में रखने का मौका दिया। माननीय, रेलवे की सबसे बड़ी आय माल भाड़ा के माध्यम से, माल की ढुलाई के माध्यम से होती है मान्यवर, और माल गोदाम जो रेलवे के हैं उसमें से पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से बहुत सारे श्रमिक लाखों की संख्या में वहां पर काम करते हैं, जो माल की ढुलाई करते हैं, माल को लादते हैं। उन श्रमिकों का लंबे समय से जो ठेकेदार होते हैं सर, वो शोषण कर रहे हैं,
उनको उनकी मजदूरी नहीं देते, उनकी मजदूरी का कोई एक नियत राशि निर्धारित नहीं है। ये प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है और कल मेरे पास उनका जो यूनियन है उसके एक नेता मनोरंजन जी और तमाम श्रमिक आए थे सर, उनकी एक ही मांग है कि रेलवे के जो माल गोदाम में काम करने वाले श्रमिक हैं, जो रेल के माल भाड़े को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम ठेकेदारों के शोषण से बचाया जाए और जो ठेकेदार श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस ओर उनका ध्यान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। धन्यवाद संजय जी। लोगों को नियुक्ति पत्र तक मिलेंगे तो ये भी एक बड़ा, ये एक नियुक्ति पत्र हमें भी आश्चर्य हुआ। आवाज मत दो नौकरी नहीं मिलेगा, आवाज दो नौकरी मिलेगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड बी ब्लेस्ड एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप एंड शाइन मोर देन द सन दैट यू सी ऑन द स्काई। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।